ਕੱਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਠਿਕਾਣਾ 'ਤੇ। ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਛੇੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਏ ਸੀ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸੇ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਗੈਟਅਪ ਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ, ਔਰ ਇਨਕੀ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਕੀ ਜੋ ਹਵਾਏ ਹੈ ਘਾਟੀਆਂ ਹੈ ਉਨਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਝੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਝੇ ਬਤਾਈਏ ਸਰ ਕਿਆ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਆਪਕਾ ਗਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਕੁਛ ਖਾਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ हमेशा से देखो हर जगह का हर जो स्टेट का अपना एक अलग एक्सपीरियंस रहता है और हिमाचल में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो एक अलग उसका एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन पंजाब में आकर चंडीगढ़ में आकर अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप सब लोगों के समक्ष आकर और भी एक अलग सी वाइब्रेशंस है कि बस बेसिकली दोनों जो स्टेट्स हैं वो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान बेसिकली मैं समझ रहा हूँ ये हो रहा है और एक अलग ही जो फीलिंग होती है जब किसी भी आर्टिस्ट का कोई गाना रिलीज़ होता है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि आज से पहले ये ट्रेंड था नहीं कि हम मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से गाने रिलीज़ करते थे, तो पहले सीडीज़ डीवीडीज़ का ज़माना था। अब ज़माना बदल गया तो ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप सभी लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों की बदौलत जो है, मीडिया की बदौलत जो है, सोशल मीडिया की बदौलत जो है, हमारे जो गाने हैं पूरे देश और दुनिया में सुने जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी चंडीगढ़ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक गाना हमारा रिलीज़ हो रहा है कांची 2.0 इसलिए क्योंकि कांची जो 1 है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका था आज से 3-4 साल पहले और इतना ज़बरदस्त रिस्पांस है कि बॉलीवुड तक वो गाना पहुँचा है, सोनी म्यूज़िक तक, सोनी टीवी तक पहुँचा है, इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 2 में वो गाना प्ले हुआ है और उसके बाद आप सब लोगों की फरमाइश पे सेकेंड पार्ट इसका हम रिलीज़ कर रहे हैं। भारद्वाज जी मेरे साथ हैं तो वो पहला वाला जो गाना उसके सुरों से बात शुरू की जाए तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हाँ झूठा है, वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा, वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा, ये तेरी गलियाँ छोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। गाने की खनक ही और है, हर किसी के दिल को छू जाने वाला गीत है ये, वो गीत है। तो अभी जो कल रिलीज़ हो रहा है क्या उसके बोल भी हमें सुनने को मिल सकते हैं? हाँ, वो जो गाना है मैम वो बेसिकली यही गाना है, यही कॉम्पोजिशन है, क्योंकि इस गाने की जो धुन है वो बेसिकली ये ओल्ड बॉलीवुड एक कवर सॉन्ग हमने किया था और बॉलीवुड में किशोर दा की आवाज़ में ये गाना आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा काफ़ी सालों पहले, लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश की थी अपने मॉडर्न फोक नोट मैशअप्स हमारे आते हैं तो उसमें 40 सेकेंड के लिए मैंने ये गाना गुनगुनाया था और लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया तो उन्होंने डिमांड कर दी सब लोगों ने मैसेजेस के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू कि सर प्लीज़ थोड़ा सा ओरिजिनल या पूरा एक वर्जन इसका निकालिए, तो हमने कोशिश की इसको रिक्रिएट करने की, तो हमने रिक्रिएट किया। यकीन मानिए ओरिजिनल सॉन्ग में जब मैंने ये रिक्रिएट किया था तो 10 या 12 मिलियन व्यूज़ थे और हमारा गाना जो है अभी 30 मिलियन क्रॉस कर गया है और हमारे चैनल पे। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गाना जब हम गुनगुना रहे थे तो उसके बाद सोनी टीवी से फ्रेम्स प्रोडक्शन जो इंडियाज़ बेस्ट डांसर DID ये सारी चीज़ें करवाते हैं उनका कॉल हमें आया और उन्होंने NOC की जब डिमांड की कि आप NOC दे दीजिए और ये गाना हम चाहते हैं सोनी टीवी पे इंडियाज़ बेस्ट डांसर में परफॉर्म करें, तो वहाँ पर तो बड़ा एक प्राउड का मोमेंट रहता है ख़ासतौर पर। एक्चुअली हिमाचल जो है ना, हिमाचल इतना ज़्यादा एक्सपोजर वाली जगह नहीं है कि हर कोई आर्टिस्ट जो है आपको मुंबई में बैठा मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है हमारा जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही प्यारा है, बेसिकली हर जगह का ही रहता है जैसे पंजाब का अपना है लेकिन हमारा इतना ज़्यादा है। और मतलब सच मानिए तो मैं अगर ये कैप नहीं पहनूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस आधे से भी कम हो जाएगा, तो ये एक अलग सा एक फील रहता है। तो मतलब उन्होंने एकदम से हमें कहा था, मैंने बोला भाई मेरा गाना नहीं सारेगामा का गाना है आप उनसे ले लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं सारेगामा ने हमें परमिशन दे दी है, वो कह रही है जो सिंगर ये हैं जिन्होंने ये गाया है इनसे अलग से परमिशन ले लीजिए, तो वो प्राउड मोमेंट है। हमारा मन था मुंबई जाएं लेकिन मुंबई से खुद ही कॉल आ गया कि भाई आपका गाना हमें प्ले करना है, तो बस मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने पढ़ा तक नहीं, पता नहीं ज़मीन जायदाद तो नहीं मांग लेंगे कहीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने चुपचाप से साइन कर दिया कि ठीक है। और उसके बाद जब सोनी TV पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये गाना प्ले हुआ और आप यकीन मानिए एक डांस का रियलिटी शो है
जब आप ये वीडियो फुटेज देखोगे तो डांस रियलिटी शो में कभी भी जो गाना बज रहा होता है जिसमें डांस करता है कंटेस्टेंट, उस गाने की तारीफ नहीं होती, डांस की तारीफ होती है। आप इस गाने को ध्यान से सुनिए, इस परफॉर्मेंस को देखिए, मलाइका अरोड़ा जी, गीता कपूर जी, टेरेंस लुइस जी, उन तीनों ने बाकायदा कहा वाह व्हाट अ लवली सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। स्पेसिफिकली बीच में जब ये गाना प्ले हो रहा है, उस गाने के बीच बीच में वाह कितना अच्छा गाना है, मतलब इतना ज़्यादा प्राउड फील होता है कि वाह ये देखो डांस रियलिटी शो में गाने की तारीफ हो रही है, तो इतना अच्छा लगा। और ये जो सेकंड पार्ट की आपने बात की है, बेसिकली ये जो है वो सेम कॉम्पोजिशन है लेकिन लिरिक्स इसके हमने बदले हैं, जैसे कि नैन तेरे नैनों से जुड़े ऐसे जादू ये कोई चलाए, जैसे नैन तेरे रूठे थे तुमसे लो मान गए हैं, रूठे थे तुमसे लो मान गए हैं, जाना न तुम मुँह मोड़ के, कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाना जा दिल तोड़ के। सर कितना रियाज आप करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को रिक्रिएट करने के लिए बहुत चीज़ों की को ध्यान में रखना पड़ता है, तो उस चीज़ के बारे में? मैं बेसिकली एज अ म्यूज़िक लवर या फिर एज अ सिंगर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा रियाज नहीं है, मैं अपनी बात कहूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा म्यूज़िक का फ़िलहाल कल्चर नहीं है कि आप म्यूज़िक में क्लासिकली ट्रेंड हो जाओ या बहुत सारी एकेडमीज या बहुत सारे ऐसे गुरुज आपको मिले जिनसे आप सीख सकें। अब धीरे धीरे बहुत सारी एकेडमीज, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं, जिनसे हम अच्छा जो नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा कम था। तो अभी कोशिश कर रहे हैं सब लोग एकेडमीज़ के थ्रू, अच्छे अच्छे गुरुओं से सीख रहे हैं, रियाज कर रहे हैं। हमारा जो रियाज बेसिकली हमारे लिए स्टेज पे हो जाती है चीज़ें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो हम लोगों का जो जीवन है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो स्टेज पे बीतता है। आज कहीं शो कर रहे हैं, कल कहीं हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और मतलब हम लद्दाख से लेकर कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं कार्यक्रम के लिए, तो हमारा जो गला है ऑटोमेटिकली वो रियाज में रहता है, प्रैक्टिस में रहता है। बट मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि जो सच में गायकी करते हैं उनको रेगुलर एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ रियाज करना चाहिए। अब हमने भी शुरू कर दिया कि जब हमें लगा रही थोड़ी कमियां हैं वो पूरी करनी पड़ेगी, तो बस मतलब लगे रहना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा गाते रहोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आती रहेगी आपने। गाने के साथ सुनते किस किस को हैं आप? हाँ, मैं सबसे ज़्यादा तो मैं किशोर दा को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, और उसके बाद मोहम्मद रफ़ी जी, मतलब ओल्ड बॉलीवुड जो गाने वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ओल्ड बॉलीवुड जो सॉन्ग्स है उसमें मतलब उसके लिरिक्स में, उसकी कॉम्पोजिशन में वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस रहती थी कि वो आपको रियल जो लाइफ से कनेक्ट करते थे। और आधुनिक युग में क्या है, लिरिक्स अच्छे आ रहे हैं, म्यूज़िक भी अच्छा हो रहा है, लेकिन वो क्षणिक है। मतलब आज अगर आप सुनोगे तो कल थोड़ा सा बोर हो जाओगे आप, मतलब मुझे मेरा अपना जेन्युइन जो रिव्यू है वो ये है। लेकिन पुराने गानों को सुन के, अभी भी देखिए कांची रे कांची ये गाना न जाने कितने साल पुराना होगा और अब हमने रिक्रिएट किया तो लोगों को रिफ्रेशिंग लगेगा ये, तो ये थोड़ा सा रहता है। तो मैंने इन लोगों को बहुत ज़्यादा सुना है। और इसके अलावा जो आज की जनरेशन म्यूज़िक पसंद करती है वो भी हम सुनते हैं, अलग अलग जगह का म्यूज़िक है वो हम सुनते हैं। तो मतलब बस सुनने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप सुनते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपनी चीज़ें डालते रहिए, तो सब लोगों का मिश्रण करने के बाद जब आप कोई चीज़ दोगे तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। आप कई सारी भाषाओं में गा लेते हैं, मुझे जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है, मतलब कौन सी भाषाएँ हैं जो आप और किस तरह का म्यूज़िक? हमने नॉर्मली क्या है, एक्चुअली हमारा एक USP था हमारे जो अपना, तो मैंने क्या किया था, हमारी बेसिकली अपने अपने डायलेक्ट्स हैं हिमाचल में। जैसे मैं शिमला ज़िला से हूँ, शिमला ज़िला के भी मैं रामपुर गांव से हूँ, रामपुर गांव के मैं मतलब रामपुर से भी, रामपुर एरिया है, रामपुर में डंसा एक गांव है हमारा, तो आप सोच लीजिए कि शिमला ज़िला की अपनी एक बोली है, और उसके बाद रामपुर जहाँ से जो एरिया है उसकी अपनी एक अलग से बोली है, और उसके बीच मेरा गांव जो डंसा है उसकी अपनी एक बोली है। तो बेसिकली मतलब जैसे अगर पंजाबी है तो पंजाबी आप यूनिवर्सल लेवल पे एक पंजाबी है, तो थोड़ी बहुत हो सकती है कि कुछ पिंड में कुछ अलग थोड़ा सा तरीके से बोली जाए या फिर शहरों में अलग तरीके से, लेकिन है पंजाबी एक तरह की। लेकिन पहाड़ी में दिक्कत है, हिमाचली जो है आपको शिमला ज़िला की अलग होगी, 12 जिले हैं हिमाचल में, 12 जिलों की अलग अलग बोलियाँ हैं,
तो मैंने सबसे पहले मुझे लगा कि मतलब मैं हिमाचल को कनेक्ट कैसे करूं, मैं कैसे दिखाऊं कि मैं हिमाचली आर्टिस्ट हूं, क्योंकि मेरी वाली जो बोलियां हैं वो सबको समझ आती नहीं है, हमें खुद ही समझ नहीं आएगी। शिमला की जो है वो चंबा में समझ नहीं आएगी, चंबा की जो कांगड़ा में नहीं आएगी, तो वो दिक्कतें रहती है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, मॉडर्न फोक नोट के लिए मैंने मैशअप्स क्रिएट किए कि मैं अलग अलग ज़िला की जो बोलियाँ हैं उनको पहले इकट्ठा करूँ। तो मैंने अलग अलग ज़िला की बोलियाँ पहले इकट्ठा की और फिर उनको क्या है कुछ एक पंजाबी गाने, पुराने गाने या फिर कुछ एक हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग उसके साथ मैशअप कर दिया। और मैंने लद्दाखी में भी गा रखा है, मैंने गढ़वाली जौनसारी में गा रखा, असम का मैंने गा रखा है, तो मैंने नेपाली गा रखा है। तो ये सारे मैंने जो गाने थोड़े थोड़े मैंने इकट्ठे करके उसको मैशअप में क्रिएट किया। और यकीन मानिए मेरे चैनल पर 200 मिलियन से भी ज़्यादा जो व्यूज़ है वो मेरे मॉडर्न फोक नोट सीरीज़ पे है। तो जो कि 7 सीरीज़ अभी तक आ चुकी है मैशअप्स की और 8वीं सीरीज़ ऑन प्रोग्रेस है। तो मतलब अलग अलग बोलियों और भाषाओं में, मतलब नॉर्मली मुझे ऐसा बोलना नहीं आता, मैं सिर्फ जो गाना मुझे अच्छा लगता है मैं वो सुनता हूँ और वहाँ के किसी आदमी से पूछ के उसको सीखता हूँ और फिर मैं गाता हूँ। तो मैंने बहुत सारे गाए, जैसे असम का मैंने एक गाना गाया था, ओ मोइना कुन बिदा तई हाजिले तुमुर पदम सकुती समक नीला बिजुली रे गुलाब कमल पाहिती से समकर भमक लागी दोही मोरे मंती मोइना ओ मोइना ओ मोइना कुन बिदा तई हाजिले तुमुर पदम सकुती। अब ऐसा ही मेरे नेपाल में एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था तो मैंने वो गाया, सिंध दिउला फोते दिउला माया बखेरा चंद जस्तो तिम्रो मुहर मन मारा खेरा, हाँ सिंध दिउला फोते दिउला माया बखेरा चंद जस्तो तिम्रो मुहर मन मारा खेरा, मताए माया लई समझेरा माया लई देऊ तुमरई हूँ बानेरा मन को रहारा कांसी लाई घुमाउने काठमांडू सहारा। हर तरह की ऑडियंस को आप एंटरटेन करते हैं, हर लैंग्वेज को आप, मतलब आप फोक से आपका बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ मतलब फोक तो मेरे ब्लड में है, बेसिकली जो मम्मी है ना वो बहुत अच्छा जो है फोक गाते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि मैंने जितना उनको सुना है कि अपने मतलब लोकगीत जो है जो विलुप्त होती संस्कृति, आज की जनरेशन तो शायद सुन के भी उनको ऐसा लगेगा ये क्या है, किसी दूसरी भाषा में बोला जा रहा है, क्योंकि उनको वो इतनी गहराई में जाती नहीं है। आज की जनरेशन थोड़ा सा पिछड़ रही है, उनको आधुनिकता की दौड़ में इतने ज़्यादा वो व्यस्त हो गई हैं, उनको दिख नहीं रहा कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं हमारी रूट्स जो हैं वो बेसिकली कितनी गहरी हैं। अगर उनको उस गहराई में जाकर देखा जाए तो हमारे पास, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास इतना सारा अनमोल धन है, मतलब संगीत का सागर है बेसिकली, जो हम कहीं और ढूँढ रहे हैं। तो हमारे यहाँ ब्रह्म भक्ति एक कहा जाता है जो कि ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, और हमारे यहाँ जैसे जिसमें सीता स्वयंवर का दृश्य हो गया या फिर सीता हरण का हो गया, रामलीला होगी, कृष्ण लीला होगी, इन सारे जो वृतांतों पे हमारी अपनी जो बोलियों में बहुत सारी जो ग्रंथ है बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन क्या है प्रॉब्लम ये कि हम लोग जानना ही नहीं चाहते, हमें लगता है नहीं पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा क्या लगेगा, हम संजो कर रखना नहीं चाहते। तो मतलब मम्मी से इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो फोक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। पहले मैं मम्मी के साथ ढोलक प्ले किया करता था, धीरे धीरे उन्होंने जो गाने गाए वो मैं परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और आज जो भी है वो मम्मी की बदौलत है। और इतने सारे फोक सॉन्ग मुझे आते हैं ट्रेडिशनली, मतलब आज की जनरेशन के हिसाब से मुझे जो गाना है मैं वो गाना गाता हूँ। लेकिन जब मुझे डिमांड की जाए गाँव में कि नहीं अब अपना कोई पहाड़ी गाना गाओ, ऐसा गाना जो उनके बुजुर्गों के टेस्ट का है, तो मैं वो भी वहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो मतलब थैंक्स टू हमारे कल्चर को, मतलब हिमाचली कल्चर, पंजाबी कल्चर, जहाँ का भी जिस भी राज्य का कल्चर है वो वाकई आप गहराई में जाइए, बहुत कुछ भरा है, बहुत ज़्यादा। कल्चर की बात किया, पंजाब में आप आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो पंजाब का कौन सा वो टेस्ट है जो आप हमें सुनाना चाहेंगे पंजाबी हो जाए? एक्चुअली क्या है, पंजाब का ना एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, ये बेसिकली ये गाना है नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ये गाना है, लेकिन ये गाना जो है अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीके से गाया है। तो मैंने क्या किया था, जो ये गाने मैं आपको सुना रहा था ये इसी मैशअप में मैंने ये गाना ऐड किया था, सानू इकबाल चैन नावे, और आप
बिलीव नहीं करोगे, इस गाने पे लगभग 500 जो मतलब ये मान के चलिए 500 के मतलब 500,000 के आसपास जो रील्स बनी है मतलब, और इतना सारा, और लोगों ने अलग से डिमांड की भाई ये गाना पूरा लेके आओ। मैं क्या भाई ये लेजेंड्स लोगों के गाने, हम लोगों ने सिर्फ ऐसी हिमाकत कर दी थी 40 सेकेंड के लिए गाने की, लेकिन ये मैं गुनगुना रहा हूँ आपके साथ। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कल्याण जी नहीं लगना, साडा कल्याण जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मतलब मन नहीं कर रहा है कि गानों का सिलसिला ये ख़त्म हो, और एक वो फोक की जो खनक है आपकी आवाज़ में, वो जो एक लगाव है आपका आपकी रूट्स के साथ, वो आपकी गायकी में भी नज़र आ रहा है। वो जो आपका आपकी मदर के साथ जो बॉन्ड है जिससे आपने गायकी शुरू की, जहाँ से वो चीज़ें शुरू होती हैं, वो अब भी नज़र आ रहा है, शायद तभी लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला सॉन्ग्स, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, उनको भी लोग इसी तरह से प्यार दें जैसा आपको पिछले सॉन्ग्स में मिला। बिल्कुल मैम, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, बेसिकली हम लोग सामने रहते हैं ना फ्रेम पे, स्क्रीन पे, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छा कर रहे हैं, ये बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा मेरी जो है पूरी एक टीम है, जो जिनके साथ रहकर जो है हमारा ना बहुत ज़्यादा मतलब जिनके साथ जो इतना प्यार रहता है, इतना बॉन्ड रहता है, उनकी बदौलत जो चीज़ें हो पाती है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, आप अगर यहाँ भी हैं तो आपके पीछे इतने सारे लोगों का हाथ है कि आप इस जगह तक पहुँचे हैं। तो मैं ज़रूर, कल जो गाना रिलीज़ हो रहा है वो कांची 2.0 है, तो उसमें मेरे अजीज़ मित्र हैं प्रिया गौतम जी, और साथ ही साथ हमारा जो सारा हमारी टीम का, मेरा अपना मैनेजमेंट, सोशल मीडिया हैंडल से लेकर हमारे लाइव कॉन्सर्ट से लेकर, वो सारे मैनेजमेंट भी देखते हैं, और साथ ही साथ इस गाने में अभिनय भी उन्होंने किया है। बेसिकली जो कांची है उसकी भूमिका प्रिया ने ही अदा की है, और बहुत अच्छा अभिनय हुआ है। आप देखिएगा गाना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से प्रिया का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और साथ ही साथ उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे द कायरोन कामेश भाई, उनका बहुत बड़ा योगदान है, अमित भाटिया जी और उनकी टीम फीट ऑफ फायर के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको डांस करते हुए उसमें दिखेंगे, क्योंकि डांस के लिए वो वायरल हुआ था वो ट्रैक, इसलिए हमने कोशिश की है थोड़ा सा डांस की जो झलकियाँ उसमें डाली जाएँ। और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग, राजा सिंह मल्होत्रा जी हमारे बड़े भैया, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है फाइनेंशियली किसी भी चीज़ को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना हो, तो इस बार प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने काफ़ी सारी हेल्प की है, जो भी चीज़ें अरेंजमेंट करना, और काफ़ी सारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो राजा सिंह मल्होत्रा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया, आपका भी और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि आपको ये जो ट्रैक है वो पसंद आए, और कांची 1 की तरह कांची 2.0 जो है वो भी मिलियंस में आप सब लोग इसको प्यार दें। और क्या क्या पाइपलाइन में वो भी बता दीजिए, किस चीज़ पे काम हो रहा है। बिल्कुल, ये मैं कहने जा रहा था, मैंने पहले बात की है कि मॉडर्न फोक नोट जो सीरीज़ है वो हमारी USP, आप देखेंगे यहाँ पे, अगर ये जो टैटू है ये मैंने बना दिया था आज से 3-4 साल पहले, जब मॉडर्न फोक नोट सीरीज़ आई, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने 40 से 50 गाने जो है मार्केट में दिए। बहुत सारे लोग इसको बेवकूफ़ी का सिंबल भी कहते हैं कि क्या गुदवा दिया है शरीर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ में, अगर आपको किसी चीज़ से ऐसा लग रहा है ना कि भाई इसने मेरी लाइफ बदल दी, तो उसको अगर आप अपने शरीर का हिस्सा बनाया जाए तो मुझे लगता है वो कहीं भी बुराई नहीं है। और मैंने 30 से 40 गाने मार्केट में दिए, लेकिन एक भी गाना कभी वायरल नहीं हुआ, चला नहीं हुआ। और मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं म्यूज़िक छोड़ दिया था ऑलमोस्ट, बस सिर्फ एक कोशिश थी कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद मैंने मॉडर्न फोक नोट, ये जो मैं मैशअप्स की बात कर रहा हूँ, ये वही सीरीज़ है कि मॉडर्न तरीके से फोक को प्रेजेंट करना, अलग अलग जगह के गाने मैंने कलेक्ट किए और एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। और यकीन मानिए 38 सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैंने गाना रिलीज़ किया, आज जो है वो 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और ये जो मॉडर्न फोक नोट पहली सीरीज़ है,
ये 14 मिलियन इसमें व्यूज़ हुए हैं, और उसके बाद 7 सीरीज़ मॉडर्न फोक नोट की आ गई हैं, सारी मिलियंस में है। कांची भी इसी का पार्ट था, उसमें अलग से 30 मिलियन है, और बहुत सारे गाने और थे जो इससे निकल के मैंने पूरे पूरे कवर किए, सब में मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो मतलब इसलिए मैंने ये गुदवा दिया। आप देखेंगे यहाँ पे पहाड़ी टोपी आप देख सकते हैं जो मैंने सिर पे पहन रखी है, आपको ये दिखेगी, और ये मॉडर्न फोक नोट में फ्लूट आपको दिखेगी, और ये हम सैक्सोफोन दिखेगा, मॉडर्न तरीके का सिंबल है ये मॉडर्न फोक, और ये मैंने गुदवाया था कि ये मेरी आइडेंटिटी है आज से परे, और मुझे मॉडर्न फोक नोट फेम के नाम से ही पूरे हिमाचल में जाना भी जाता है। और उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट था कांची, क्योंकि इसने 30 मिलियन में जाने के बाद सोनी टीवी पे ये प्ले हुआ, तो मेरे लिए मतलब ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए गिटार्स और सारी चीज़ें आपको ये दिखेंगी इसमें। और मुझे कोई शौक नहीं था, सच पूछा तो मैं टैटू वाले जो लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, यार क्यों गुरुद्वारे, पागल होंगे ये लोग, लेकिन मुझे सच में अहमियत पता लगी कि ऐसी क्या बनाना है, फूल बना रहे हैं आप या कुछ और चीज़ें, कोई ऐसे स्कल्स बना रहे हैं, बहुत सारी उटपटांग चीज़ें बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब आप हमेशा के लिए साथ रखना चाहते हैं, तो वो ये मेमोरीज़ है कि इन चीज़ों ने मुझे इतनी आइडेंटिटी दी है, तो इसलिए मैं अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। और अभी अभी पाइपलाइन में जो है आकांक्षी 2 के बाद जो है मॉडर्न फोक नोट की 7वीं सीरीज़ आ चुकी है, तो 8वीं अब लाइनअप हो रखी है, बिल्कुल बहुत जल्दी आपके बीच होंगी। इसके अलावा एक गाना हमारा प्रयास है, अभी टी सीरीज से हमारी बात चल रही है, तो टी सीरीज से एक जिंदगी एक गाना है वो हम रिलीज़ कर रहे हैं, और चंडीगढ़ की प्रोडक्शन टीम है, पंजाब की प्रोडक्शन टीम है, जिन्होंने ये गाना आधा ये शूट हो चुका है, और आधा जो गाना है आधा हिमाचल में हम शूट करेंगे, तो हिमाचल और पंजाब का जो है बहुत सारा टेस्ट आपको देखने और सुनने में मिलेगा। तो बहुत सारे और भी 3-4 ट्रैक्स है जो ट्रेडिशनल गाने हम गाते हैं, हमें हमारा एक डांगरू सॉन्ग आया था जो हिमाचल का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सॉन्ग है, ऐसा कहा जाता था कि हिमाचल और पंजाब हरियाणा ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे पहले, तो यहाँ से संस्कृति का आदान प्रदान होता है, काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर जो देखने को मिलती है, तो वैसा ही उस गाने में हमने कुछ दिखाया था, कुछ जैसे जो पग यहाँ पे पहनी जाती है वो हिमाचल के कुछ एक एरियाज में पहनी जाती है, और थोड़ा बहुत जो कल्चर राजस्थान का है वो गेटअप अभी भी वहाँ देखने को मिलता है, तलवार वाला वो सारी चीज़ें, तो उसको हमने पेश किया था, और बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया है उसे, चोलटू नृत्य के माध्यम से हमने दिखाया था। तो ऐसे भी बहुत सारे गाने अलग अलग जो ज़िला के गाने अलग अलग तरीके में, और पारंपरिक वेशभूषा जो यहाँ का ऑथेंटिक जो म्यूज़िक है, वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ का जो नेचर है, ओरिजिनल चीज़ें, वेस्टर्नाइज नहीं, बिल्कुल प्योरिटी के साथ, कोई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको मार्केट में हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, और मुझे लगता है कि अब हर महीने 2-2, 3-3 ट्रैक्स आपको मिलने वाले हैं। आप इतना प्यार आपका अपने अपनी मिट्टी के साथ, इतना प्यार इतने फोक के साथ प्यार है, और ये जो टैटूज आपके इंस्पिरेशन आपके लिए बहुत बड़ी हैं, और आप खुद इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है जिन्होंने बिल्कुल 38 सब्सक्राइबर से यहाँ तक पहुँचने का सफर, मुझे लगता है कि ये सबको प्रेरणा देगा, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और पंजाब के सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ हिमाचल में आपको बहुत प्यार करते हैं, सीरियसली पंजाबी गाने मतलब हम तो जब पंजाबी गाने लगते हैं ना बस सीधे ही भंगड़ा शुरू हो जाता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर आप हिमाचली गानों को भी ढेर सारा प्यार दें, और हमारे जो वीडियोस हैं वो सारी चीज़ें आप आपके लोगों तक, हमारे लोगों तक बेसिकली शेयर करें, मज़ा आएगा। थैंक यू, थैंक यू, गुड लक फॉर यू, थैंक यू।